क्या हुआ जब एक लड़की अपने प्यार को पाने के लिए एक बिल्ली बन गई। स्टोरी की शुरुआत में म्यू नाम की एक लड़की समर फेस्टिवल से बोर होने की वजह से गुस्से में थी। अचानक वह अपने सामने एक बिल्ली को नोटिस करती है जो मास्क बेच रहा था। यही से सीन कट होके हमें दिखाया जाता है कि म्यू स्कूल जाती है और अपने बेस्ट फ्रेंड यूरिको से मिलती है। फिर वह अपने सामने एक लड़की को देखकर बहुत खुश हो जाती है। उसे पीछे से टक्कर मार के वो कहती है, हिन्नू दे सनराइज अटैक। एक्चुअली ये लड़का हिन्नू दे मियू की क्रश है, जिसे मियू जी जान से प्यार करती है। इसलिए उसके क्लासमेट्स उसे एक पागल लड़की समझते हैं, पर यूरिको को ये सब पसंद नहीं था। वो मियू से कहती है, ये गलत है, तुम उससे पागलों की तरह प्यार करती हो, पर वो है कि तुम्हें भाव ही नहीं देता। आखिर तुम उससे प्यार क्यों करती हो? ये सुनकर मियू कहती है, उस दिन समर फेस्टिवल के दिन हम दोनों अकेले थे, बिल्कुल अकेले। वो समय को याद करती है जब वो हिनुदे के साथ अकेली थी। ये पल उसके लिए मैजिकल था। यूरिको को उसके बातों पे बिलीव नहीं होता है। स्कूल छुट्टी होने के बाद मियो घर में आती है, जहां उसकी स्टेप मॉम उसकी इंतजार कर रही थी। उनकी एक प्यारी सी पेट बिल्ली भी है, जिसका नाम है किनाको। मियो अपने कमरे में आकर एक मास्क निकालती है। उसके बाद उसकी खिड़की से एक बिल्ली बाहर आके सीधा हिनुदे के घर पहुंचती है। हमें पता चलता है कि ये हिनुदे की फेवरेट बिल्ली है और उसने इसका नाम तारो रखा है। हिनुदे को तारो के साथ खेलना बहुत पसंद है और मिट्टी के बर्तन बनाना भी। हिनुदे के साथ मजा मस्ती करने के बाद तारो एक छत पर आती है और अचानक वो एक लड़की में बदल जाती है, जो होती है हमारी मियो। यानी मियो ही तारो है और तारो ही मियो है। वो अपने इस मास्क की मदद से एक बिल्ली में बदल जाती है। लगभग हर दिन ऐसा ही होता है, मियो तारो बनकर हिनुदे के घर जाती है। पर एक दिन वही मास्क सेलर आकर मियो से उस मास्क के बदले उसके इंसानी रूप को मांगता है, पर मियो मना करती है। दूसरे दिन स्कूल का बुली बना ही हिनुदे के बारे में कुछ गलत बातें कर रहा था। ये सब मियो टेरिस से सुन लेती है और उसे सबक सिखाने के लिए नीचे कूद जाती है। उसे काफी चोट भी लग जाती है, फिर भी वो उन पुलिस को डांटती है। मियो को कूदते हुए हिनुदे ने देख लिया था। वो उसके हाथ को पकड़कर पूछता है, क्या तुम ठीक हो? फिर वो उसे अपना टिफिन देता है खाने के लिए। मियो को ये खाना इतना टेस्टी लगता है कि वो जोर से चिल्लाकर कहती है, हिनुदे का खाना सबसे बढ़िया है। हिनुदे को ये थोड़ा एम्बरेसिंग लगता है, पर वो महसूस करता है कि मियो की खुशबू बिल्कुल तारो जैसी है। एक दिन हिनुदे के मॉम और ग्रैंडपा उसे ये मिट्टी के बर्तन बनाने से मना करते हैं और पढ़ाई में ध्यान लगाने को कहते हैं, क्योंकि प्रॉफिट ना होने की वजह से अब उन्हें ये स्टूडियो बंद करना होगा। हिनुदे बहुत दुखी हो जाता है। रात को वो तारो से कहता है, मुझे मिट्टी के बर्तन बनाना बहुत पसंद है, पर ये स्टूडियो बंद होने वाला है। कश मैं भी उसकी तरह होता, मेरे मन में जो भी आए वो बोल पाता। मेरा कहना है कि मैं स्टूडियो संभाल लूंगा, पर मुझे खुद पर भरोसा नहीं है। तारो के रूप में मियो सोचती है, मैं भी बिल्कुल तुम्हारे तरह हूँ हिनुदे, मन में जो आए वो नहीं कह पाती हूँ। रात को तारो घर लौटते वक्त फिर से वही मास्क सेलर को देखती है। वो बिल्ली कहता है, वो तुम्हें बिल्ली के रूप में ही पसंद करता है, क्यों ना तुम हमेशा के लिए एक बिल्ली बन जाओ और अपना इंसानी रूप मुझे दे दो। मियो कहती है, बिल्कुल नहीं, एक बिल्ली हिनुदे के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। घर आकर मियो हिनुदे के लिए एक लेटर लिखती है। स्कूल में वो ये लेटर हिनुदे को देने वाली होती है कि स्कूल का बुली बनाई उसे छीनकर जोर से पढ़ के सबको सुनाने लगता है। ये सच में शर्मनाक था। मियो इसके लिए हिनुदे से माफी मांगती है, पर हिनुदे शांत रहता है। मियो कहती है, मैं भी तुम्हारी तरह हूँ, दिल की बातें नहीं कह पाती हूँ। हिनुदे कहता है, चुप रहो, तुम हमेशा मेरा पीछा करती रहती हो, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। मियो ये सुनकर बहुत रोती है। मियो के घर लौटने के बाद उसकी स्टेप मॉम मिस कावरो उससे पूछती है, मुझे पता है तुम दुखी हो मियो, पर तुम खुश होने का दिखावा क्यों कर रही हो? तुम हमेशा ऐसा करती हो। इससे गुस्सा होकर मियो उस मास्क के साथ घर से भाग जाती है। वो रोते हुए कहती है, हिनुदे मुझसे प्यार नहीं करता है और अब तो वो मुझसे नफरत करता है। मैं चाहती हूँ कि वो मुझे पसंद करे। इसके बाद वो तारों के रूप में हिनुदे के घर आती है। हिनुदे कहता है, तुम्हारी खुशबू बिल्कुल उसकी जैसी है। उसे कैसे पता चला वो सब बातें? लगा नहीं था कि उसे भी मन की बातें बताने में प्रॉब्लम होती होगी। रात को तारो वही सो जाती है। सुबह उठकर वो कहती है, अरे नहीं, मैं स्कूल नहीं जा पाई,
अरे हाँ, बिल्लियाँ तो स्कूल नहीं जाती। वो मार्क्स सेलर आके कहता है, बिल्लियों के तो मजे ही मजे है, अब चलो भी अपना इंसानी रूप मुझे दे दो। मियो अब दुखी थी, इसलिए उसकी इंसानी रूप पाने का मार्क्स बाहर आ जाता है। इस मार्क्स को लेकर वो मार्क्स सेलर कहता है, अब तुम्हारे पास सिर्फ कुछ ही दिन है, उसके बाद तुम पूरी तरह से एक बिल्ली बन जाओगी। मियो के पेरेंट्स स्कूल में आकर उसके प्रिंसिपल को बताते है कि मियो कल से घर नहीं आई है। मिस कावरो कहती है, हिनुदे तुम उसका बॉयफ्रेंड हो ना, शायद वो दुखी होकर तुम्हारे घर चली गई होगी। हिनुदे कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। योरी को कहती है, ये सच है, इन दोनों में कोई रिश्ता नहीं है। उनके प्रिंसिपल ऑफिस से निकलते ही मासा मिची पूछता है, क्या हुआ है? हिनुदे कहता है, मियो घर छोड़ के भाग गई है, शायद उन पुलिस के वजह से। मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ, टीचर्स को बता देना। योरी को उसे जाने से रोकती है और कहती है, मियो हमेशा बाहर से खुशी दिखाने का कोशिश करती है, पर वो अंदर से दुखी होती है। तुम तो उससे नफरत करते हो ना हिनुदे, मुझे बताओ क्या तुम उससे प्यार करते भी हो? हिनुदे थोड़ा साइलेंट रह के कहता है, मैं उससे नफरत नहीं करता हूँ। मियो के पेरेंट्स जब घर पहुँचते है वो देखते है मियो की सगी माँ उसके इंतजार कर रही है। मियो को लेकर मिस कावरो और मियो की सगी माँ के बीच झगड़ा होता है। तारों के रूप में मियो ये सब देख रही थी। फिर वो हिनुदे के घर में चली जाती है। घर आकर हिनुदे तुरंत मियो को ढूंढने चला जाता है और तारो भी उसके साथ चली जाती है। वो मियो को बहुत ढूंढता है, फिर वो थक कर एक जगह बैठ जाता है और कहता है, मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ, वो आएगी ना? फिर हिनुदे इसके आगे जो कहता है वो मियो समझ नहीं पाती है। वो सोचती है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, क्या मैं सच में एक बिल्ली बन रही हूँ? अरे नहीं, मैंने गड़बड़ कर दी। अगले 3 दिन के बाद हमें मियो दिखती है स्कूल में, पर उसके हरकतें बदल गई है। तारो उसे ही देख रही थी। वो सोचती है, ये भीरूपिया कौन है? जैसे ही वो भीरूपिया घर में आती है, मिस कावरो और मियो के पापा उसके साथ और भी प्यार से बातें करते है। तारो को इस भीरूपिया की हरकतें किना को जैसी लगती है, जो की मिस कावरो की पेट बिल्ली है। घर जाते वक्त वो बेहरूपिया मियो तारो को नोटिस करके हिनुदे को कहती है, आज रात में तुम्हारे घर जाऊंगी, तुम्हारे साथ खाना खाऊंगी, फिर तुम्हारे साथ सो जाऊंगी। हिनुदे कहता है, मियो तुम्हें हुआ क्या है? क्या तुम मजाक कर रही हो? विश्वास नहीं होता मैंने तुम्हारी फिक्र की। वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। योरिको के जाने के बाद उस बेहरूपिया के सामने तारो आ जाती है। मियो कहती है, तो कैसी हो? तारो कहती है, क्या मैं तुम्हें सुन सकती हूँ? मियो कहती है, वो इसीलिए क्योंकि मैं एक बिल्ली हूँ और मैं पूरी तरह से इंसान नहीं बनी हूँ। तारो कहती है, तुम किना को हो ना, तो सुनो किना को, मुझे वापस मियो बनना है क्योंकि मुझे हिनुदे के बातें समझ नहीं आ रही है। किना को कहती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सपने सच करूंगी हिनुदे को डेट करके। तारो कहती है, क्या तुम्हें लगता है तुम जो कर रही हो वो सही है? किना को कहती है, वैसे तो मुझे बिल्ली बने रहना ही पसंद है, पर मैं कावरों को खुश रखना चाहती हूँ। इंसान ज्यादा दिन तक जीते हैं। मैं तुम्हारी जगह लेकर कावरों के साथ लंबी जिंदगी बिताऊंगी। तारो कहती है, पर मुझे हिनुदे के साथ रहना है, मार्क्स सेलर कहाँ है? किना को कहती है, वो दूसरी तरफ रहता है, क्या तुम ये देख पा रही हो? तारो कहती है, क्या एक रास्ता? किना को कहती है, इसका मतलब तुम पूरी तरह एक बिल्ली बन रही हो। वो भागते हुए कहती है, अपने फेस्टिवल की और इंतजार नहीं कर सकती। इस रास्ते से मियो उस जगह में पहुंचती है जहां मार्क्स सेलर है। मार्क्स सेलर कहता है, फेस्टिवल के दिन तुम पूरी तरह एक बिल्ली बन जाओगी। फिर वो चला जाता है। मियो अपने सामने एक अजीब सा जगह देखती है, पर ये जगह सिर्फ बिल्लियों को ही नजर आती है। किना को देखती है कि कावरो परेशान है, क्योंकि किना को कुछ दिन से घर नहीं आई है, तो कावरो किना को ढूंढने चली जाती है। किनाको को बहुत बुरा महसूस होता है। वो हिनुदे के पास आकर इस मास्क के सीक्रेट के बारे में उसे बताती है। वो कहती है, हिनुदे मैं एक्चुअली में मियो नहीं हूँ, मैं मिस कावरो की बिल्ली किनाको हूँ। जब मुझे पता चला वो किनाको से इतना प्यार करती है, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने मियो की जगह लेकर बहुत गलती कर दी है। हिनुदे कहता है, अगर ऐसा है तो मियो अभी कहाँ है? किनाको कहती है, एक्चुअली में तारो ही मियो है, उसकी इंसानी मार्क्स मेरे पास होने की वजह से वो परमानेंटली एक बिल्ली में बदलने लगी है। हिनुदे कहता है,
तो तारो ही मियो है, काश के मुझे पहले ही पता चल जाता। फिर वो शर्माने लगता है तारो के साथ बिताए पल को याद करके, किना को उसे क्या टैलेंट पिलाती है। पर हिनोदे को यह जगह नहीं दिखता है क्योंकि वो इंसान है। मियो इस जगह में ऑलरेडी पहुंच चुकी थी। वो उस कमीने मार्क सेलर को ढूंढने लगती है। मियो को वहाँ की एक बिल्ली कहता है, हे तुम एक इंसान हो ना, तुमसे भी तुम्हारा इंसानी मार्क्स छीन लिया गया है, मेरे साथ आओ। अंदर आकर मियो को पता चलता है कि ये क्या टैलेंट है। यहाँ के बिल्लियाँ पहले इंसान थी, उनसे भी उनका मार्क्स छीनकर उन्हें बिल्ली बना दिया गया है। मियो कहती है, मुझे वापस इंसान बनना है। किना को हिनोदे को लेकर मार्क्स सेलर की दुकान में लाती है। वो उसे एक मास्क पहना देती है, जिसके बाद हिनोदे को यह जगह दिखने लगता है। पर वो पूरी तरह बिल्ली में ट्रांसफॉर्म नहीं होता है। पता नहीं क्यों सिर्फ उसका हाथ ही ट्रांसफॉर्म होता है। किना को मार्क सेलर को अपने मार्क्स लौटाने के लिए कहती है, पर मार्क सेलर कहता है, ऐसा नहीं होगा, मैं उसके साथ तुम्हारा मार्क्स भी रख लूंगा। वो उन्हें लॉक करके मियो के पास चला जाता है और कहता है, वो बिल्ली किना को हिनोदे को यहाँ लाई है, मैंने उसे लॉक कर दिया है, जल्दी चलो वरना मेरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। वहाँ की एक बिल्ली कहता है, ये सब बंद करो, वो अभी बच्ची है। मार्क्स सेलर कहता है, बच्चियों की जिंदगी तुम लोगों से ज्यादा होती है, मुझे उसकी जिंदगी चाहिए। फिर वो बिल्लियाँ मार्क्स सेलर पर हमला कर देते हैं और एक बिल्ली मियो की मदद करती है हिनोदे को ढूंढने में। वो उस मार्क्स सेलर के शॉप में उसे पहुँचा देती है। हिनोदे को बिल्ली के पंचों के साथ देख कर मियो सरप्राइज्ड थी। किना को उसे मार्क्स देती है वापस इंसान बनने के लिए, पर मियो इस मास्क को पहनने के बाद इंसान नहीं बनी। तभी मार्क्स सेलर मियो के पीछे पड़ जाता है। हिनोदे और किना को उस मास्क के साथ उसका पीछा करते हैं। हिनोदे पूछता है, वो वापस इंसान क्यों नहीं बनी। किना को कहती है, क्योंकि उसे लगता है इंसान बनने के बाद उसे फिर से दर्द सहना होगा। हिनोदे जंप करके मियो को पकड़ लेता है और कहता है, मुझे माफ कर दो मियो, तुमने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया है, फिर भी मैंने तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया। मियो कहती है, हिनोदे क्या तुम्हें ऐसा लगता है। मार्क्स सेलर उन्हें पकड़कर उस पवित्र पेड़ के पास लाता है। दोनों वापस इंसान बनने की जिद करते हैं। मार्क्स सेलर कहता है, तुम अब इंसान नहीं बन सकती क्योंकि तुम्हें लगता है कि इंसान बनने के बाद तुम्हें दुख दर्द का सामना करना होगा। डिवाइन ट्रिक के चमकते ही मार्क्स सेलर मियो की इंसानी रूप को बाहर कर देता है, पर तभी वो बिल्लियाँ आकर उसे बहुत मारते है। उस दौरान हिनोदे मियो को उसकी इंसानी रूप को लौटा कर कहता है, मियो मुझे तुम्हारे बारे में और जानना है, मैं सिर्फ तुम्हारे हंसने वाला रूप नहीं, गुस्से होने वाला रूप और पागलपन करने वाला रूप भी देखना चाहता हूँ। और मैं तुम्हारे इंसानी रूप को ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मियो कहती है, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ हिनोदे। मियो को उसके इंसानी रूप वाला मार्क्स मिल जाता है उन बिल्लियों की मदद से। फिर किना को उन दोनों को कैट सिटी के बाहर छोड़ने जाती है। मियो कहती है, मैंने सबके लिए अपने दिल का दरवाजा बंद कर दिया था, पर अब मैं उन्हें पसंद करने का कोशिश करूंगी। बाहर आकर मियो अपनी इंसानी मास्क को पहनकर बिल्ली वाला मास्क फेंक देती है। हिनोदे भी अपना मास्क उतार देता है। दोनों एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं। देखो हमारी लाइफ में मुश्किलें और तकलीफें आती रहती है, पर कुछ लोग इतना दुखी हो जाते हैं कि वो जीने का इच्छा ही छोड़ देते हैं, दूसरे इंसानों की परवाह करना बंद कर देते हैं। और इस समय मार्क्स सेलर जैसे टॉक्सिक लोग उनके लाइफ में आकर उनके लाइफ को और भी ज्यादा मिजरेबल बना देते हैं। इसीलिए लोगों को अपना कर खुशी से जीना सीखो, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारे दुखी हालात का फायदा जरूर उठाएंगे।